तो कैसा होना है बालाजी? अरे थोड़ा खा है तो उसी से पता नहीं चल रहा है आपको है? बताइए जल्दी से। ठीक है। ठीक मतलब कैसा? ठीक अब अंदर घुसा दिया था। Hey guys, good morning to all and welcome back to my channel, शेफाली सिंह राजपूत। तो friends अभी सुबह हो गए हैं और आज का vlog start हो गया है for you all and यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन है। सालू है, फुआ है और पल्लवी है एंड पीछे मम्मी। सो गाइज आज सालू निकल रही है अपने ससुराल। तो जी आज ये निकलने वाली है एक से दो बजे के बीच में ये जा रही है, तो इसलिए पल्लवी आई है इससे मिलने के लिए और इसकी एक और फ्रेंड चुन्नी है वो भी आ रही है मिलने। तो बस इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ बनाने। देखते हैं कि जाते समय कैसे रोती है बिचारी। तीन इसके देवर आ रहे हैं, इसके देवर आ रहे हैं इसे लेने के लिए और नाश्ता। क्या बोल रहे हैं फुआ? अपने घर जा रहे हैं। हाँ अपने घर जा रहे हैं लेकिन हस्बैंड नहीं है ना, हस्बैंड है बैंगलोर में, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। थोड़ा सा लगता है ना जिससे प्यार करो, हस्बैंड भी आ जाएंगे तुरंत। जिससे प्यार करो अगर वही साथ में ना हो तो थोड़ा सा वो लगता है। यहाँ पे तो मम्मी पापा लोग हैं तो उतना फील नहीं होता है, तो मैं ये चीज को समझती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि वहाँ भी मम्मी पापा है। नहीं तो जी नाश्ता वास्ता हम लोगों का हो गया है और इधर आप देख सकते हो आया है हमारे घर में फिश, ये रहा और बनेगा थोड़ी देर में, मैं इसे बनाऊंगी। और अभी मैंने जस्ट इसमें हल्दी डाल के रखा है क्योंकि एक से दो बजे तक सालू निकलेगी तो 12 बजे तक ऑलमोस्ट बना दूंगी मैं। और फिश करी और राइस का आज स्पेशल लंच होने वाला है हमारे घर पे। सो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ अलीशा को कि वो क्या कर रही है। और एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो जा रही है सालू तो, वो तो मैं मजाक में वैसे बोल रही हूँ बार बार ताकि वो हंसे। मम्मी तो रात से ही रो रही है, एक्चुअली कल से ही रो रही है, कल के वीडियो में तो आप लोग देखे होंगे कि कल से ही वो रो रही है। और अभी अभी भी सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, आप देख सकते हो 10 बजने वाला है अभी भी कुछ नहीं खाई है। तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या बोलो और लिशो क्या कर रही हो? देखो फिर देखो ना पल्लू, पल्लवी मौसी आई है, चलो मैंगो लेके हो गया ना। तो वीडियो में बने रहे, जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जैसे आप देख सकते हो ये लड़की जाएगी 12-1 बजे तक क्योंकि तुम जाने वाली है ना सालू, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरा बच्चा। आज ये जा रही है कल ही जाएगी, और इसका गेटअप अभी देखो क्या यहाँ पहनी हुई है। ससुराल बेचारी जाती है तो सिर्फ साड़ी और सूट में रहना पड़ता है। जैसे कल रेस्टोरेंट में पार्टी किए थे ना वैसे ही फिर से एक बार सालू की आज ये मेरी बहन सालू जा रही है, कल ये मेरी फुआ जाएगी। बात नर्सो हम लोग निकलेंगे। क्या हो जाता है बेबी तुम्हें? तुमको भी लेके चलेंगे, चलेगी
रही है फिर तो। गोवा घुमाएंगे, पौंडीचेरी घुमाएंगे, फिर ऊटी घुमाएंगे, वो तीन काफी नजदीक है वहां से। फिर तो चलोगी ना? चलो। तो जी पल्लू तो हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो गई है। सारू को भी मैं बहुत मना रही हूँ कि हस्बैंड वहीं रहते हैं, चलो हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि आ जाइए, लेकिन इसे अभी है कि नहीं अभी मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी। तो मैं तो बोल रही थी कि चलो सितंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं घूमने का, पौंडीचेरी और ऊटी, तो इसीलिए आए थे। हाँ उसका मुंह देखिए कैसे करके बोलती है। तुम किसकी बेबी हो? किसकी बेबी? मेरी बेबी नहीं रहोगी? यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह सान लिया है और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तालू अभी गई थोड़ा सा मार्केट कुछ काम था उसे, एंड इसके देवर लोग भी आ गए हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे बालाजी आ गए हैं, सालू के देवर दोनों, और एकदम खाने में लग गए हैं मछली आते के साथ भुखड़ जैसा। बालाजी खा घूम के नहीं चले थे? पूरा मैं थाली भर के दी थी और अभी देखिए एक एक पीस बचा है दोनों में। एक भी हड्डी नहीं दिख रहा है। इसमें हड्डी थोड़ी होता है, इतना खाने का शौकीन है कि खाटा उटा सब चिबाए जा रहे हैं और पता नहीं चलेगा आपको। देखिए और इनका तो कुछ कहना नहीं है। इधर देखिए बाबू थोड़ा सा, कान्हा जी। हाँ कान्हा जी कितना पीस खाए आप, सच सच बोलिएगा। कान्हा जी बोलिए ना, कान्हा जी। तो जी देखिए आ गई है हमारी बहन शॉपिंग करके। निकलना है तुमको ससुराल जाना है कि नहीं? इधर ही तुम टाइम लगा रही हो। हैं कितना केजी हो? वेट कम करो थोड़ा सा, 60 केजी। वेट तो कम ही है, वेट कम नहीं है। दिखाएं हम कि बालाजी यहाँ 3 थरिया नास्ता करके अभी 2 थरिया मछली खा गए हैं। यहाँ ऐसा मछली खाए थे कभी? हाँ। कब? भाभी बनाई थी। कौन भाभी? मेरे भाभी। अच्छा इतना टेस्टी बनाई थी? किसे ज्यादा? इतने इतने चल देखे हिंदू भाव नहीं कर रहे इतने टेस्टी हो भी जानते ना। तो जी इसका जाने का समय हो गया है और 2:30 बज गया है, 3 बजे इसे निकलना है। ये देखिए इसने पूरा भर के देखिए नया साड़ी इसे मिला है यहाँ पर से माँ से, इतना ही मुझे भी मिलना चाहिए। आपका 5 साल हो गया तो आपको नहीं कुछ मेरा भी 1 साल हुआ है तब मिल रहा है। 1 साल में तुम एक झोला भर के लेके जाएगी नया साड़ी? है बाप रे देखिए, इसमें क्या भर लिए सालू को पूरा भर के मम्मी के रोबा मत देना लास्ट में। इतना तुम सब सामान मले ले जा रही है इधर, इसकी बेटी मेरा पर्स खोल खोल के देख, तुम सब सामान लेके जाएगी तो मम्मी रोएगी ना? देखो ये तुम छोड़ के जा सको, मम्मी नहीं रोएगी क्या रे? मम्मी भी देख रही है सालू की फ्रेंड की क्या क्या सालू लेके जा रहे हैं। तो जी जाने का समय आ गया है, दिस इज वेरी टफ टाइम टू गो ससुराल। मेरे लिए टफ नहीं है बट इसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है क्योंकि अभी नया नया शादी हुआ है बेचारी का। तो मेरा भी इसमें इन्हीं लोग का है कि कोई और है? भाई उसका है।
सो गाइस हम लोग कपड़ा खरीद के आए हैं अभी, जस्ट ये रहा सालू के देवर लोग के लिए, और इधर सालू भी तैयार हो गई है रेड रेड साड़ी पहन के, इतना ज्यादा गर्मी धूप, माय गॉड ना यार। ना यार। ना यार। ना यार। रहा रेड रेड साड़ी।